हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? It's almost like falling in love for the first time all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So यहाँ पर स्टडी करने बैठ गए थे, लेकिन थोड़ी देर ही किए, ज़्यादा कर नहीं पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कैमरा ऑन करना, वो तो हम भूल ही जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम कैमरा ऑन किए थे, उसके बाद फिर हम मुझे पहले थोड़ी सी मतलब जो भी था वो कर दिए थे उसके बाद। बन रहा है ब्रेड, उधर बन रहा है मैगी। ये आज हम लोग का नाश्ता होगा। बाबू लोग को भी टिफिन मेरा मैगी ही बना के दिए थे, बोला नहीं ये ले जाएंगे रोटी। अभी डांट भी लगा हमको, सभी बाबू सब लेके चल गया है। हम लोग का बस ये बन ही गया है, थोड़ा सा कर लिया बस। मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। और पता है क्या हुआ ना, नाश्ता में रख कर लेने के बाद अचानक से शरीर में बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, और ठंड इतना लग रहा था ना, लग रहा था कुछ और के सो जाए, बट हमें अपना टारगेट कंप्लीट करना है, सोने से नहीं होगा। और अभी मेरा मुंह में मतलब दो की जगह चार छाले हो गए हैं, जिस वजह से बोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी कोशिश कर रहे हैं बहुत सबर देने का। कहा जाता है ना, मन का हारे हार है मन का जीते जीत, बस वही उम्मीद लगा कर हम बैठे हैं। मन से हार जाएंगे तो हार ही है, नहीं हारेंगे तो जीत जीत कर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और ये छोटी मोटी चीज़ों से यदि हम डर जाएंगे तो फिर आगे अभी बहुत बड़ा खाई आने वाला है, उससे कैसे हम लड़ेंगे। ये छाला है जो खाने में प्रॉब्लम हो रहा है, बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, सभी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रहा है, और इस वजह से माथा में भी दर्द है, शायद फीवर भी इसी वजह से आ रहा है। नीचे जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक नहीं बता सकते। दवा वगैरह तो खा रहे हैं बट कोई असर नहीं हो रहा है, बस आज चेंज करवा कर आए हैं दवा, शाम को आ जाए थे चेंज करवाने। आप लोग नहीं जानते होंगे तो हम बता देते हैं, हम टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और टीचिंग एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम है हमारी, हम झारखंड से हैं तो हमारे झारखंड का जो भी एग्ज़ाम वगैरह है, जैसे झारखंड का एग्ज़ाम का तो कुछ बोला नहीं जा सकता है, ना ही बोले तो फ़ायदा में रहेगा जो स्थिति है झारखंड का। उधर बिहार देखा जाए तो बिहार का भी जो भी फॉर्म वगैरह हुआ वो सब हम भरते हैं। हालांकि पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम अभी सीटेट का प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उसी का ब्लॉग हम डाले हैं, तो सीटेट का ही अभी प्रिपरेशन हो रहा है। कुछ दिनों में दीपावली आएगी, फिर
अभी घर का भी साफ सफाई करना है। तबीयत सच में ख़राब हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें क्या करें। नहीं ठीक होगा तो फिर छोड़ ही देंगे। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही पूरे घर पर अच्छे से सफाई की थी, लेकिन फिर भी कहा जाता है मतलब विजयादशमी के बाद घर का साफ सफाई करना चाहिए, उसमें अच्छा होता है, मतलब लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। तो यदि अभी तो तबीयत ख़राब है, यदि नहीं सकेंगे तो नॉर्मल सा कर देंगे, देखा जाएगा जब होगा तब देखेंगे। फिर भी हम अपना लक्ष्य से नहीं पीछे हट रहे हैं, जितना तक चाह रहे उतना करेंगे। और अभी हम कर रहे हैं रिवीजन, ये हमारे फर्स्ट पर जब हम दिए थे सीरियट तभी कहीं नॉर्स है, जो हम सारे वैज्ञानिक जैसे हैं जीन प्याजे कोलबर्ग या फिर सिनेमन फ्राइड या फिर और बहुत सारे हैं, सारे काम यहाँ पर लिखे हुए हैं, वही सब सारी चीज़ें हम अभी रिवीजन कर रहे हैं। NCF सभी चीज़ें इसमें, तो वही सब हम सारी चीज़ रिवीजन कर रहे हैं, एक बार पढ़ लेना चाहिए क्योंकि सभी वैज्ञानिक लोग का अलग अलग अपना मत रहता है और अपने अपने तरह से सभी लोग बताए होते हैं, तो हमें हमेशा से कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा ये है कि जीन प्याजे वाला में लगा देंगे हम बायोस्की में लगा देंगे जीन प्याजे का, तो ये सब इस बार नहीं होगा शायद, उतना हम अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं। ओवर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हम कर सकेंगे, उसको ओवर ही कहा जाता है। इसके बाद अभी हम प्रिपरेशन करके और फिर प्रिपरेशन का स्टडी करके थोड़ी देर और फिर खाना वगैरह में जाएंगे बनाने के लिए। क्या है कि आज से बड़े बड़े का स्कूल चालू हो गया और हमारा घर जिस तरह से झाड़ू पोछा हो गया रखा हुआ है ना, सही बताते हैं कि घर में कोई चलने वाला तक नहीं है। अभी पूजा पाठ करके आ गए, नाश्ता वगैरह सारी चीज़ हो गया, घर में काम ही नहीं है। 10:30-11 बजे जब तक नहीं बचता है तब तक कुछ नहीं होगा। और क्या है ना कि आज मैगी बना के दिए थी टिफिन में और हम लोग ने नाश्ता मैगी किए हैं, जिस वजह से आज काम सच में नहीं था। तबीयत खराब होने की वजह से बनाने का भी मन नहीं किया, पापा भी बोला कि हमको मैगी ही खाना है, मैगी ही देना, तो फिर हम मैगी ही बनाए थे। बहुत दिनों की छुट्टी हो जाती है और गेपिंग के बाद जब स्कूल होता है तो बच्चे नहीं जाना चाहते हैं, उसे बहुत रिक्वेस्ट करके स्कूल भेजना पड़ता है। ऐसे तो छोटू का स्कूल 2-3 दिन में खुल गया था, लेकिन हमारे बड़े बंदे का छुट्टी एक्स्ट्रा दे दिया था। और सभी चीज समय पर कर रहे हैं, कोशिश की है। बच गया है 12 दिन खत्म हो गया है, यहाँ पे सब्जी कट कर दिए हैं, इसको हम लगा देंगे चौका, आलू गोभी का सब्जी। इधर बन गया है चावल, थोड़ा सा ही बनाने घर चढ़ाए हैं और यहाँ पर ना सिलेंडर करके उसको हमें आधी डाल देंगे, टमाटर खड़े गिरा के थोड़ा थोड़ा डालेंगे, थोड़ा सही डालेंगे मतलब डालेंगे। अब पढ़ने बैठो ना तो लगे हैं कि मेरे पास समय ही नहीं है, और यदि पढ़ने में आप जुट गए तो कब समय खत्म होगा वो गुस्सा बहुत करेगा, क्योंकि जब तक ना पढ़ो ना तब तक समय धीरे धीरे चलती है। मेरे साथ होता है यदि हम पढ़ने जुट गए ना तो बहुत जल्दी चल खत्म हो जाती है। मुझे पता भी नहीं चलो अब 10:30-11:30 एक पर आए थे बीच में हम, उसी दौरान हम सब्जी खाते थे और चावल भी चखाए थे, जब दूध आया था तब गया था तो दो काम करके गए थे। तो वो फूट क्या है ना, हम वहाँ स्टडी करते हैं, वहाँ ब्लॉगिंग चालू किए हैं, फिर वहाँ से लेकर हमें मोबाइल
और फिर चालू करना था तो हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा बाद में शूट कर दूँगी। सोना बापू भी सारी तरह स्कूल चला गया है, हम सोचे थे बउआ मेरा बड़ा वाला भी आ जाएगा स्कूल से, पर नहीं आया। और यहाँ पे बनता है आलू गोभी का सब्ज़ी। और इनका काम क्या होता है ना, वो भी एक के जगह तीन ले रखा है शनिवार को खिचड़ी में डालने के लिए, और हम सच में बहुत ज़्यादा डांट लगाए थे गोभी क्यों लाए हैं, आजकल गोभी अच्छा नहीं लगता है। उस दिन पहले गोभी लाए थे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उससे अच्छा तो जो गोभी सुखा कर जो बनता है सब्जी उस टाइप का लग रहा था। लेकिन ये याद नहीं था कि ठंड का मौसम शुरू हो कि अब तो गोभी ही खाना पड़ेगा डेली। और इतना टेस्टी लगा बनने के बाद सब्जी, मतलब क्या ही बोलना, बहुत टेस्टी लगा। बाद में पता चला कि गोभी नहीं, सच में अच्छा लगा, अब तो यही खाना ही पड़ेगा, फूल गोभी बंदा गोभी। और हमारे बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा पसंद, अभी मतलब सीजन आने वाला है गोभी का तो अच्छा लगेगा खाने में। और पापा स्कूल से आया है अभी 11:30 बजे, घूम रहा है अभी, जस्ट आइसक्रीम खाया फ्रिज से निकाल के, इनके पापा ला के रखे थे। अभी हम डांटे भी या अभी ठंड गर्म मौसम कर रहा है, मेरा खुद का तबीयत ख़राब है, अभी बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाएगा ना तो कहीं का नहीं रहेंगे, अपना शरीर तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन बच्चे का कुछ हो जाता है ना तो बच्चे को हम नहीं देख पाते। फिर यहाँ पर मेरा सारा काम खत्म हो गया है, यहाँ पे अभी कढ़ाई चढ़ा हुआ था, अभी बज गया है 12:15, मतलब कैमरा ऑन करते करते 12:40 हो गया। और मेरे किचन का काम खत्म हो गया, अभी जस्ट बाबू को खाना मतलब जो भी है खिलाकर और जाएंगे तब तक सब्जी भी बन जाएगी, इसके बाद मेरे पास समय बच जाएगा थोड़ा सा तो उसमें होगा स्टडी। बटर लगा देंगे, पावरोटी ब्रेड ना, ब्रेड ना बोल रहा है, रोस्ट कर देंगे ना। लाए हम खाओगे ना, खाओगे ना बेटा, खाने के बाद आराम करने गए ना तो उठने तक का ही बात नहीं कर रहा था, इतना ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है, फीवर भी आ गया है पूरा, दवा खाए हैं ऊपर पूरा फीवर है, अभी बच्चे लोग को दूध दिए हैं, तब कहीं इनके पापा दूध दिए हैं, अब थोड़ा सा कुछ खा देगा तब स्टडी करने बैठाएंगे, क्योंकि इसको चालू हो गया है, जब तक बैठाएंगे नहीं तब तक बैठेगा नहीं। ब्रेड बोला खाएंगे, आज हम टिफिन दिए थे मेघी बनाकर सुबह नाश्ता, जिस तरह दिया उसी तरह लेकर आ गया, दरअसल टिफिन हुआ होगा लेट से, मेघी पूरा जम गया था, जमने के वजह से पूरा वो हो जाता है ना, बच्चे नहीं खा पाते हैं, ये टाइप का चढ़ जाता है उससे, बच्चे को भूख लगा हुआ आया, थोड़ा सा चावल खाया, हम लोग भी खाएं, अब जाके बोला भी नहीं जा रहा है। पूरा दोपहर सोए ऐसे कैसे हो रहा, हमको बिल्कुल भी नहीं आइडिया, उतना दिन तक ठीक ही रहा, अब जाके हमको पता चल रहा है ठंडा तो ऐसे हमको लगता ही है, लेकिन फीवर आना ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर पहले इनके पापा भी बाजार गए हुए थे मार्केट, तो वहाँ से दवा लेकर आए हैं, पहले पहले दवा बोले मत खा, अभी खाए हैं, खांसी जितना हो मतलब होने लगता है ना कि उल्टी होने लगता है, ऊपर से छाला बहुत परेशान कर रहा है, पता है हमको टाइम ही नहीं मिलता है कुछ।
था तो सब्जी खाने हम जरूर जाते हैं। बहुत खाते हैं, उन्होंने मुझे परेशान करके रखा। उसके बाद यार दोनों बेटा का फरमाइश अलग अलग है। एक बोला है जला हुआ होना चाहिए, दूसरा बोला है हल्का जला हुआ होना चाहिए। तबीयत खराब होने की वजह से मेरा दोपहर का तो मेरा खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद मतलब सो के उठे थे, उसके पापा आए भी थे, तबीयत खराब भी, डांटे भी, तबीयत खराब रहता है, फिर ये वो करते रहते जो रहते करने का छोड़ तो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ना मेरा मन ही नहीं मानता किसी किसी रंग किसी वजह से क्या हुआ कि आज कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था और सारे कपड़े को मतलब मशीन में ही डाले, लेकिन थोड़ा सा होता है ना मशीन का धोने के बाद अपने से धोते हैं क्योंकि मशीन में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हो जाता है कपड़े निचोड़ देता है, तो अच्छे से हम वहाँ पर नहीं सुखाते हैं, हम आकर फिर एक बार अच्छे से धोते हैं। छोड़ डालने का हमको क्योंकि छोड़ देती है मशीन में तो अपना नहीं देते हम लोग, इतना कोई ये नहीं है अपना तो बाकी है पर मासी कर रहा था बात मोबाइल पर आते रहा छोटी नहीं था पर मासी कर रहा था हम मैं बार बार ठीक हो रही थी। जब मैं सो के उठी थी ना तभी उनके पापा दवा लेकर आए थे और हम दवा खिलाए थे हमको खाने के बाद। अब जाकर हमको गर्मी लग रहा है, इतना देर के बाद हल्का फुल्का पसीना आना शुरू हो गया है और अभी ना ठंड का मौसम आ गया तो मतलब होता नहीं है मेरे साथ ऐसा, इसी बार पता नहीं पूरा तबीयत खराब बहुत दिनों के बाद और ठंड का मौसम आने की वजह से ही वह हमको लग रहा है ठंडा गर्म मेरे शरीर में लग गया है। और यहाँ पे बाबू का सारा होमवर्क चेक कर रहे थे, बनवा रहे थे और यहाँ पे छोटू बहुत बदमाशी कर रहा था, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और पेंसिल क्या करता है लोग, कितना भी नया पेंसिल है सारा निकालने का के यूज करता है, पुराना सब स्कूल में किसी को दे देगा या फिर किसी को दे देगा या फिर वो लेकर ही घर नहीं आएगा, बोलेगा डेस्क से नीचे गिर गया है, खो गया वगैरह वगैरह करके। और यहाँ पर ना बाबू को थोड़ा हार्ड वाला होमवर्क मिला हुआ था, मेरे लिए तो ईजी था और आप सभी के लिए भी ईजी होगा, जहाँ तक बच्चे के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है न्यू टॉपिक पढ़ना, तो आज न्यू टॉपिक ही था लेकिन सर भी नहीं बताए थे, घर से बना कर लाने का होमवर्क दिए थे तो फिर हम बाबू को समझा रहे थे, वो नहीं समझ नहीं पा रहा था, फिर अच्छा से समझाया, फिर दो बार तीन बार लगातार समझाया तो वो समझा। तो यहाँ पर हम भेजे थे पेंसिल लाने के लिए क्योंकि पेंसिल जो है ना अभी थी, पेंसिल निकाल कर दी है जस्ट, इसका ट्यूशन आज से शुरू हो गया और फिर भी लोग हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें, तो यही सब है बच्चे हैं तो इतना होता ही रहेगा। तो आप लोग बताइए कि आप लोग का भी बच्चा ऐसा करता है क्या? खैर मेरा तो बहुत करता है, हमको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब यू लो जब ज़रूरत हो तो ऐसे एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है हम उसी को यूज करें। और यहाँ पर हम उसे बार बार समझा रहे थे, न्यू टॉपिक था ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों का, और यहाँ पे छोटू नहीं पढ़ाई कर रहा था, उसे थोड़ा सा डांट लगा, फिर वो भी पढ़ाई करने लगा। अभी रात का 10:30 बज रहा है, मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ, अभी बज गया है रात का 10:30 बजने वाला है, 2 मिनट काम है और हम ब्लॉगिंग का कर रहे हैं एंड। और जितना देर तक मेरा शरीर बोलेगा जगे रहो उतना देर तक जगह स्टडी करेंगे, इसके बाद फिर रात को सो जाएंगे। तो इसी के साथ करते हैं हम ब्लॉग का एंड, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, कल का ब्लॉग में अपना डेली रूटीन के साथ।